हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा का जो पेपर है उसको देखने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड सेकंड जो वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो उसमें बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट JRF PGT GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चंस को इधर हम लोग इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है कि आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप वो आपका PGT का हो, बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी जो एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो होने वाले हैं, उनमें संभावना होती है कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो सकते हैं कुछ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया है। संस्कृतिकरण की अवधारणा आप लोगों को कराया जा चुका है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। प्लेलिस्ट में जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर MN श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसमें दो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। एक तो संस्कृतिकरण यानी संस्कृताइजेशन से रिलेटेड है एंड सेकेंड वीडियो है डोमिनेंट कास्ट से, ठीक है। डोमिनेंट कास्ट यानी प्रभुत्व जाति, ये दोनों ही अवधारणाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है MN श्रीनिवास की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया है MN श्रीनिवास ने। बुक्स हैं इंडियास विलेजेस, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द कोसेप रोल ऑफ संस्कृताइजेशन एंड अदर एसेज। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई बार आपको बताया भी गया है, इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा MN श्रीनिवास ने किस पुस्तक में दी थी, बात की थी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में। संस्कृतिकरण है क्या, कैसी प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या फिर द्विज जाति की जो जीवन शैली, उसका जो लाइफ स्टाइल है, खान पान है, जो उनकी पूजा पद्धति है, कर्मकांड है, उनकी जो संपूर्ण जीवन शैली है उनका अनुकरण करती, उनको फॉलो करती है इस सोच, इस विश्वास के साथ कि कुछ ये अनुकरण केवल एक दो वर्ष का नहीं होता है बल्कि ये अनुकरण कई पीढ़ियों तक चलता है, और ये विश्वास के साथ वो करती है कि कुछ पीढ़ियों के बाद उसकी, यानी वो जो निम्न हिंदू जाति या जनजाति है उसका जो जातीय पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सकेगा, ठीक है। और ये कोई एक व्यक्ति के कुछ लोगों का की प्रक्रिया नहीं है संस्कृतिकरण, ये बल्कि संपूर्ण जाति की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तक की बात की गई है, किस बुक में इन्होंने बात की है, तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में की है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस बुक पे इन्होंने बात की, संस्कृतिकरण की कुछ विशेषताएं जो होती हैं कि क्या विशेषताएं हैं, जैसा कि संस्कृतिकरण का जो प्रोसेस है वो क्या होता है आपको यहाँ पर बताया गया, लेकिन कुछ विशेषताएं जो होती हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है, कहाँ पर फील्ड वर्क था, ठीक है, और संस्कृतिकरण से संबंधित अन्य समाजशास्त्रियों के क्या विचार रहे हैं ये भी वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। आगे देखते हैं, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। ऑप्शंस हैं 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन की बात की थी मैक्स वेबर ने, कितने टाइप्स बताए थे ये भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 4। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कौन कौन सी सामाजिक क्रिया की इन्होंने बात कही है। नेक्स्ट है स्टडीज़ इन मेथडोलॉजी। अब ये जो बुक है वो किसकी है, अल्फ्रेड शुट्स, रॉबर्ट किंग मर्टन, हेरोल्ड गॉडफिंगर, किलफोर्ड किड्स। स्टडीज़ इन एथनोमेथडोलॉजी ये बुक किसकी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड का, हेरोल्ड गॉडफिंगर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है। सोशल फैक्ट की किसने बात की है, ऑप्शन है अगस्त कॉम्प्ट, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर।
तो यहाँ पर सोशल फैक्ट की जो अवधारणा है वो किसकी रही है? एमाइल दुर्खिम की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। अब ये बुक किसकी है, ऑथर पूछे जा रहे हैं, लेखक कौन है इस पुस्तक के, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ऑप्शन हैं एंथनी गिडेंस, मिशेल फूको, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, बी मेलोनोवस्की। तो ये बुक किसकी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में जाति भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदानों पर पोषित हुआ है और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा, यह कथन किसका है? ऑप्शन है इरावती कारवे, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, एम के गांधी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी एस घुरिये। क्या है ये कहना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जाति व्यवस्था पर सबसे जो पहला क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन किया है, वर्णन किया है कास्ट सिस्टम पर, वो जी एस घुरिये ने ही किया है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन इनकी बुक रही है जिसमें उन्होंने जाति की विशेषताएं भी बताई थी, 6 विशेषताएं थी जो कि एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। अब ये बुक किसकी है, ऑप्शन है हेरोड गॉडफिंकर, एरविन गॉफमैन, किलफोर्ड गेट्स, एल्फ्रेड शुट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्फ्रेड शुट्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी किस पुस्तक में एरविन गॉफमैन ने नाटकीय उपागम यानी अभिनय शास्त्रीय उपागम का उल्लेख किया है? ऑप्शन देखते हैं, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, असाइलम्स, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इंट्रैक्शन रिचुअल। गॉफमैन ने जो नाटकीय उपागम है, अभिनय शास्त्रीय उपागम जिसे बोला जाता है, उसकी बात अपनी किस बुक में की है? तो बुक का नाम द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ है। ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने आधुनिक समाज के लिए नेटवर्क को मूल इकाई माना है? आधुनिक समाज के लिए नेटवर्क को मूल इकाई किसने माना है? ऑप्शन है पियरे बोर्ड्यू, जुर्गेन हेबरमास, मैनुअल केसल्स, मिशेल फूको। तो यहां पर राइट आंसर मैनुअल केसल्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब ये बुक किसकी है, ऑप्शन है एम के गांधी, राधा कमल मुखर्जी, बी आर अम्बेडकर, जी एस घुरिये। एंड ये बुक किसकी है, अम्बेडकर जी की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी विशेष समय बिंदु पर तथ्य संग्रहण वाला अध्ययन अभिकल्प कहलाता है, सहगण अध्ययन, प्रवृत्ति अध्ययन, प्रतिनिधात्मक अध्ययन, देशांतरिक अध्ययन। तो यहाँ पर प्रतिनिधित्मक अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस औसत के साथ बीजगणित रूप से हेर फेर किया जा सकता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है, रिसर्च सोशल रिसर्च से रिलेटेड ये जो आपका टॉपिक है इसको कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा, अभी इधर ही नहीं बहुत पहले कराया गया था, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सोशल रिसर्च से रिलेटेड तो उनको कंप्लीट कराया जा चुका है, तो वहाँ से प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लीजिएगा फोल्डर, वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप अपना ये जो टॉपिक है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यह कथन किसका है, मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था, जैसे मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। ऑप्शन हैं मेलोनोवस्की, दुर्खिम, विलियम एफ वाइट एंड एडरसन। एंड इस तरीके का कुछ क्वेश्चन लगभग ये या कह ले सेम क्वेश्चन
जो नेट का पेपर हुआ है उसमें कई बार पूछा गया है। मेलनोवस्की, दुर्किम, विलियम एफ वाइट एंड एडरसन ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलियम एफ वाइट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, अब ये बुक किसकी है, ऑप्शन है गुडे एंड हॉट, पी वी यंग, सी ए मोजर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट बुक्स को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बुक है वो हो जाएगी पी वी यंग की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है शोध के निष्कर्षों को दोहराने की क्षमता कहलाती है, वैधता, विश्वसनीयता, सेरेंडिपिटी यानी संयोग या फिर उत्तरदायित्व। राइट होगा यहाँ पर विश्वसनीयता, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुसंधान में वैतिक अध्ययन जैसे केस स्टडी बोला जाता है उसका उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं दुर्किम, फ्रेडरिक लिपले, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। तो फ्रेडरिक लिपले ने सबसे पहले केस स्टडी यानी वैतिक अध्ययन का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार की नमूनाकरण विधि आदर्श रूप से अनुकूलन है जहां पर जनसंख्या के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ऑप्शंस है सुविधाजनक निर्दर्शन विधि, उद्देश्यपूर्ण निर्दर्शन विधि, कोटा निर्दर्शन विधि, स्नोबॉल निर्दर्शन विधि। तो यहाँ पर स्नोबॉल निर्दर्शन विधि हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज मिति संबंधित है, डी सी मैक्लेलैंड, जे एल मोरेनो, डब्ल्यू एफ वाइट, पी गिडेंस। समाज मिति तो यहाँ पर जे एल मोरेनो हो जाएगा, ठीक है, जे एल मोरेनो, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जब एक चर गुणात्मक तथा दूसरा चर मात्रात्मक हो तो उन दोनों के मध्य सहपरवर्ती ज्ञात करने के लिए किस मापन का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइवर, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शोध में नियंत्रण समूह सम्मिलित होता है, नियंत्रण समूह कंट्रोल ग्रुप। ऑप्शंस हैं वर्णनात्मक शोध अभिकल्प, सर्वेक्षण शोध अभिकल्प, प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प, अन्वेक्षणात्मक शोध अभिकल्प। तो यहाँ पर प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था स्ट्रक्चर शब्द का। ऑप्शंस है अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्किम, मैक्स वेबर। तो स्ट्रक्चर शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन बी यहां पर राइट है। देखिए स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है, इन सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक है आपका जो सिलेबस है और इनसे रिलेटेड जो भी थियोरीज रही हैं, मेलनोवस्की की, स्पेंसर की, दुर्किम ने क्या कहा है, मर्टन का क्या कहना है, पार्सन्स का क्या कहना है, ठीक है, तो इन सभी से रिलेटेड जो थियोरीज रही हैं, क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं, इन सभी को कंप्लीट कराया जा चुका है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऐसे करके बना फोल्डर बनाया गया है एंड नीचे समाजशास्त्रियों के नाम भी दिए गए हैं, आप फोल्डर चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना केवल आपके पीजीटी एग्जाम के लिए बल्कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड नेट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे एंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है संस्कृति की तीन विशेषताओं, आदर्शात्मक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति एवं आदर्शवादी संस्कृति का उल्लेख किसने किया है। ऑप्शन है सोरोकिन, स्पेंगलर, पेरेटो, ऑगबर्न। आदर्शात्मक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति का उल्लेख किसने किया है, या देखिए यहाँ पर इस तरीके से कहा गया है संस्कृति की तीन विशेषताओं। देखिए सोशल चेंज,
सोशल चेंज इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोरोकिन ने बात की है इन संस्कृतियों की, और उनका जो सोशल चेंज का जो थ्योरी रही है उसको भी कंप्लीट कराया गया है। वहाँ से आप प्लेलिस्ट में फोल्डर चेक करके देख सकते हैं, अपना इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है सब कुछ कराना। एंड जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं उन सभी को पता भी होगा, कई बार ये बताया गया है। एंड न केवल सोरोकिन का वहाँ पर आपको मिलेगा सोशल चेंज की थ्योरी, बल्कि इसके अलावा जो टॉयनबी की थ्योरी रही है, पेरेटो की जो रही है, स्पेंगलर की रही है थियोरीज सोशल चेंज से रिलेटेड, इन सभी को अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट कराया गया है। एंड थियोरीज कंप्लीट कराने के अलावा एक फोल्डर आपको सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज का भी मिलेगा प्लेलिस्ट में। वहाँ पर सिर्फ केवल सोशल चेंज से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको ही कंप्लीट कराया गया है। तो पहले थियोरीज आपको देखनी है, थियोरीज वाली वीडियोस, फिर उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सोरोकिन ने बात की थी, और इनका जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत था, सीमाओं का सिद्धांत, अंतर्भूत परिवर्तन का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है? ऑप्शन है हम की भावना, ऐच्छिक सदस्यता, समान जीवन, निर्भरता की भावना। अब समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऐच्छिक सदस्यता, ठीक है। ऐच्छिक सदस्यता नहीं, अनिवार्य सदस्यता होगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है? मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉल्फ लेंटर्न, विल्बर्ट मूर। क्या होगा यहाँ पर? सोशल स्टेटस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉल्फ लेंटर्न, ठीक है। सोशल स्टेटस प्लस साथ में रोल, ठीक है, स्टेटस एंड रोल, इसकी दोनों की ही सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात रॉल्फ लेंटर्न की थी, रॉल्फ लेंटर्न ने की थी अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में, ठीक है। और स्टेटस के भी इन्होंने दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति, सभी आपको बताया गया है। एंड इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। अभी कुछ ही दिनों में इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस आ रही हैं उनमें सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कराए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो, हालांकि इस टॉपिक को पहले भी कंप्लीट कराया जा चुका है, स्टेटस रोल एंड कल्चर के नाम से कराया गया है, ठीक है। और उसमें आई थिंक 4 या 5 वीडियोस में उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कराया गया है, टॉपिक को। वहाँ पर जितने भी स्टेटस एंड रोल या फिर कल्चर की बात करें तो उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मल्टीपल रोल हो गया है ना, रोल सेट क्या होता है, और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, रोल, स्टेटस एंड कल्चर के नाम से, कल्चर के, तो उन सभी को कंप्लीट कराया गया है। इनसे न केवल वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बल्कि इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज भी हैं वो केवल पीजीटी लेवल के नहीं हैं, बल्कि वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर नेट एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नातेदारी व्यवहार में उस प्रथा को क्या कहा जाता है जिसमें मामा द्वारा भांजे एवं भांजियों को अन्य सभी रिश्तेदारों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन है परिहार, परिहास, मातुल्य, पित्तेश्वर। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन 50 क्वेश्चंस में से आपको कितने आते थे, ठीक है। सभी बताएंगे, जितने यहाँ पर देख रहे हैं सभी बताएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मातुल्य, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत अथवा टोटेमवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत और टोटेमवाद का सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसका रहा है? ऑप्शन है टाइलर, मैक्स मूलर, स्पेंसर, दुर्खिम। बताइए यहाँ पर क्या होगा? 26 का यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट होगा दुर्खिम। दुर्खिम का धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत रहा है, और इन्होंने धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं, अब ये किसका कहना है? ऑप्शन है मैकेवर एंड पेज, बोगार्डस, वॉट, पियर्सन। हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं,
तो ये कहना किसका है, मैकेवर एंड पेज का, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है, ऑप्शन है दुर्कीम, पार्सन्स, रेमंड, जिन्सबर्ट। शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है, तो यहाँ पर यह कहना जिन्सबर्ट का है, ठीक है, जिन्सबर्ट का है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण को प्रकार्यात्मक रूप में अनिवार्य मानने वाले विद्वान कौन हैं, ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डेविस एंड मूर, जीएस घुरिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था, और इस टॉपिक को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इसको भी कंप्लीट कराया गया है, एंड यहाँ पर राइट आंसर डेविस एंड मूर हो जाएगा, ठीक है, डेविस एंड विल्बर्ट मूर का, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में अपनी ये थ्योरी दी हुई है इन्होंने, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक दो तरफा प्रक्रिया है, योगेंद्र सिंह, एससी दुबे, इरावती कारवे, श्रीनिवास। संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो दो तरफा प्रक्रिया है, ये किसका कहना है, श्रीनिवास का, ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आंध्रवृत्ति के अनुसार कृषि सामाजिक संरचना का अध्ययन किन प्रमुख मुद्दों के चारों ओर घूमता है, तकनीकी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, या फिर ये दोनों, यानी तकनीकी व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंतरविद्या के अनुसार कृषि सामाजिक संरचना का अध्ययन किन प्रमुख मुद्दों के चारों ओर घूमता है, तो यहाँ पर दोनों ही होगा, तकनीकी और सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार ब्रिटिश काल में भारतीय गाँव छोटे गणराज्य थे, ऑप्शन है मैलनवस्की, सर हेनरी मेन, ड्यूमो, लुइस मॉर्गन। ब्रिटिश काल में भारतीय गांव छोटे गणराज्य थे, क्या होगा यहां पर, सर हेनरी मेन, ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुइस वुड द्वारा शहरीकरण की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों की पहचान नहीं की गई है, आकार, घनत्व, जनसंख्या की समरूपता, जनसंख्या की विषमता। किसकी बात नहीं की है इन्होंने, जनसंख्या की समरूपता, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म का फौलादी ढांचा मानता है, ए आर देसाई, वाई सिंह यानी योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास और नंदूराम। जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म का फौलादी ढांचा कौन मानता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए आर देसाई हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में डैश अधिक समूह है जिन्हें आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजातियों के रूप में नामित किया गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं 600, 500, 400 या फिर 300। तो यहाँ पर क्या होगा, 600 होगा, भारतीय समाज में 600 से अधिक समूह हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजातियों के रूप में नामित किया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अब मैचिंग है, देखिए और बताइए, ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, पेट्रोनेस एंड एक्सप्लोरेशन ये जॉन ब्रिमेन का हो जाएगा, पीजन स्ट्रगल इन इंडिया ये ए आर देसाई का हो जाएगा, ठीक है, फिर पीजन एंड मूवमेंट इन इंडिया ये हो जाएगा डी एन धनाग्रे, चंपारण एम महात्मा गांधी ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किसके अनुसार बाजार के नेतृत्व वाले शहरीकरण को धीमा करने वाले या हतोत्साहित करने के सभी प्रयास विफल और अनुत्पादक रहे हैं? ऑप्शन है आर ई पार्क, ए जी फ्रैंक, लुइस वर्थ, रोजर जेटर। नया क्वेश्चन है, बाजार के नेतृत्व करने वाले शहरीकरण को धीमा करने वाले या हतोत्साहित करने के सभी प्रयास विफल और अनुत्पादक रहे हैं, किसका कहना है? तो यहाँ पर रोजर जेटर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए, किराएदारों उप किराएदारों से किराया कृत करने वाले को क्या कहा जाएगा? खेतों में काम करने वाले कृषक जिनका संपत्ति में हित निहित हो उनको क्या कहेंगे? मुख्य रूप से अन्य भूमि पर काम करके अपनी आजीविका कमाने वाले को क्या कहा जाएगा? इनमें से बिना सुरक्षा के पट्टे पर दूसरों के लिए खेती करना क्या कहलाएगा? देखिए और बताइए, ट्राई करिए इसे। एंड इसके अलावा 8 बजे जैसे क्लासेस होती थी वैसे ही होगी, ठीक है? तो यहाँ पर चूंकि आंसर की के अकॉर्डिंग आपको कराना था, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट था, संभावना रहती है कि एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर 38 का क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है? क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, किराएदारों और उप किराएदारों, ठीक है? किराएदारों और, एक सेकेंड रुकिए, ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा 38 का, किराएदारों और उप किराएदारों से किराया इकट्ठ करने वालों को क्या कहा जाएगा? मालिक कहा जाएगा, ठीक है? और खेतों में काम करने वाले कृषक जिनका संपत्ति में हित निहित हो ऐसे लोगों को किसान कहा जाएगा। मुख्य रूप से अन्य भूमि पर काम करके अपनी आजीविका कमाना ये मजदूरी का है, ठीक है? मजदूर लोग कहलाएंगे ये। बिना सुरक्षा के पट्टे पर दूसरों के लिए खेती करना ये बटाईदार हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, अब बुक्स दी गई हैं, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, द कल्चरल ऑफ स्टडीज, अ स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। देखिए और बताइए, सभी बुक्स बताई गई हैं आप लोगों को। 39 का यहाँ पर क्या होगा बताइए, चलिए राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी होगा, 39 का बी होगा, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। ये किसका हो जाएगा? स्पेंगलर की ये बुक है, ठीक है? और इसमें इन्होंने अपना सोशल चेंज की जो थियोरी है वो दी थी। द कल्चर ऑफ सिटीज़ ये हो जाएगी मम्फोर्ड की हो जाएगी। अ स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी ये हो जाएगी कॉब एंड ब्रूनर की। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये सोरोकिन की हो जाएगी। ये सभी बुक्स आपको बताई गई हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन बिहार ये कब हुआ था? खेड़ा कृषक आंदोलन, ये बारदोली सत्याग्रह, मालाबार में मोपला विद्रोह। चलिए बताइए यहाँ पर, ट्राई करिए क्या होगा, किसी ना किसी के बारे में तो पता होगा, एंड उसके थ्रू मैचिंग करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा यहाँ पर? बी होगा, ठीक है? बी होगा यहाँ पर, चंपारण आंदोलन बिहार, ये 1917 से 1918, ठीक है, 1917 से 1918। फिर खेड़ा कृषक आंदोलन ये हो जाएगा 1918 में हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह हो जाएगा 1920 में। और फिर मालाबार में जो मोपला विद्रोह है वो हो जाएगा 1921। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से निकाय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आते हैं? केवल सरकारी निकाय, केवल संविधान द्वारा गठित निकाय, सरकार द्वारा वित्त पोषित सरकारी व गैर सरकारी निकाय, निजी निकाय जो किसी भी कानून के अंतर्गत नहीं आते। तो यहाँ पर क्या होगा राइट? सरकार द्वारा वित्त पोषित सरकारी और गैर सरकारी निकाय, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सिडनी बर्मा, ठीक है, सिडनी बर्मा ने विश्व युद्ध राजनीतिक संस्कृति का कौन सा प्रकार नहीं विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति का कौन सा प्रकार नहीं बताया है? संकीर्ण,
पराधीन, सहभागी या फिर असहभागी। सिडनी बर्मा ने विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति का कौन सा प्रकार नहीं बताया है? तो यहाँ पर असहभागी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म प्रथाएं, न्यायिक निर्णय, लोकरीतियाँ, व्यवस्थापिका, व्यक्तिगत अनुभव, इनमें से कानून निर्माण के स्रोत बताएं, मतलब कि कौन से हैं। तो धर्म हो जाएगा, प्रथाएं हो जाएगा, न्यायिक निर्णय और व्यवस्थापिका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 43 का राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर अधिनियम देखिए फिर बताइए। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है बताइए, जो आता है उसके थ्रू मैचिंग करने की कोशिश करिए। कई बार अगर आपको एक भी आता है तो कई बार ऐसा होता है कि बाकी के सारे सही हो जाते हैं, पता चल जाता है क्या है, अगर कभी कभी होता है ऐसा, मगर है ना, बताइए। क्या होगा यहाँ पर 44 का? ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ये कई बार पूछा गया है नेट के पेपर में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण का क्षेत्र नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, निःशस्त्रीकरण, धार्मिक मामले, पर्यावरणीय समस्याएं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, धार्मिक मामले, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने उत्तर भारत के गांवों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक गांव अनेक गुटों में विभक्त है? उत्तर भारत के गांव में, उत्तरी भारतीय गांवों में अध्ययन किया और ये बताया निष्कर्ष के तौर पर, ये उनका कहना था कि जो प्रत्येक गांव है वो गुटों में विभक्त है, अनेक गुटों में। एससी दुबे, जीएस घुरिए, आईपी देसाई, ऑस्कर लेविस ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर कहना ऑस्कर लेविस का है, गुट समाज की भी इन्होंने अवधारणा दी हुई है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑस्कर लेविस का गरीबी, जो निर्धनता की संस्कृति है या गरीबी की संस्कृति जैसे कहा जाता है, यह अवधारणा दी हुई है। और इसके अलावा इन्होंने जजमानी व्यवस्था के बारे में बात कही है कि जजमानी व्यवस्था शोषणकारी संस्था है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, किन दशकों में भारत में निर्धनता उन्मूलन, विकास तथा वृद्धि, शिक्षा तक पहुँच तथा नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के क्षेत्रों में सिविल सोसाइटी संगठनों, विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों की संख्या बढ़ी है? तो यहाँ पर 1970 और 1980 के दशक में, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आईपी देसाई, आंद्रे बेते और उपेंद्र बख्शी के अनुसार निम्न में से किस पहलू को आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, ठीक है, आर्थिक होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा शब्द का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर क्या होगा, हेनरी डेविड थोरो, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह की एक विशेषता नहीं है? इनकी संरचना औपचारिक होती है, ये निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं, ये अप्रत्यक्ष राजनीति करते हैं, क्या होगा यहाँ पर राइट?
क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। ट्राई करिए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं, विशेषता नहीं पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।